हे गाइस नमस्कार आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा दस की विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम लोग आए हैं और जितने भी हाई स्कूल वाले प्यारे बच्चे हैं वो इस चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का तापी प्रभाव जिसमें हम लोग कौन कौन सी टॉपिक का अध्ययन करने वाले प्यारे बच्चों सबसे पहली टॉपिक होगी विद्युत ऊर्जा फिर उसके बाद हम विद्युत धारा का तापी प्रभाव पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे फिर फिर विद्युत विद्युत शक्ति ऊर्जा का व्यवहारिक मात्र पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इन चार टॉपिकों के साथ ये जो चैप्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों और एक बात और बता दे रहा हूं इसी के दौरान एक वीडियो और आएगी जो कि इन सभी चैप्टरों से आधारित जो प्रश्न रहेंगे आपके यूपी बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न रहेंगे वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड होकर आएगा तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं क्लास में देरी नहीं करते प्यारे बच्चों। क्लास को करने से पहले एक बार आप लोग जो है जबरदस्त इस सेशन को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा चलिए तो सबसे सम, पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है ध्यान से समझना मैं जो समझाने जा रहा हूं वो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों सबसे पहले अगर हम एक चालक ले लेते हैं चालक का मतलब होता है जिसमें आवेश का प्रवाह हो जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके वो क्या कहलाता है चालक कहलाता है ध्यान से लिखिएगा मैंने कहा कि एक चालक ले लेते हैं ये कोई क्या हो गया चालक हो गया ये कोई क्या हो गया चालक हो गया चलिए अब इस चालक में यह सिरा ए हो गया और यह सिरा क्या हो गया बी हो गया कोई चालक है जिसका एक किनारा ए है दूसरा किनारा क्या है बी है इसमें से किसी एक आवेश को किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी भी चालक के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है प्यारे बच्चों जो कार्य करने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वही ही क्या कहलाती है विद्युत ऊर्जा कहलाता है क्या आप इतनी बात समझे यानी मैंने कहा कि अगर इस Q आवेश को हम A से B तक ले जा रहे हैं तो A से B तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने में ऊर्जा व्यय होगी वही ऊर्जा ही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है क्या आप इतनी बात समझे यानी अगर मैं एक चालक और ले लूं और ये चालक की लंबाई थोड़ा सा और बढ़ा दिए प्यारे बच्चों और इनका ए नाम दे दे इनका बी नाम दे दे यहां से आवेश को लेके जाए कहां तक मैंने क्या परिभाषा आपको तैयार करा रहा हूं ध्यान से देखिए किसी चालक में एकांक आवेश को एकांक मतलब एक किसी चालक में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ले जाने में जो ऊर्जा खर्चा करनी पड़ती है जो ऊर्जा करना पड़ता है वही क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाता है क्या आप आप इतनी बात समझे प्यारे बच्चों अब आप सोचिए एज एग्जांपल मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि अगर आप एक, एक बोझा को एक एक मजदूर एक बोझ को अपने ऊपर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो ले जाने में उसके द्वारा कुछ कार्य होगा और कार्य करने में कुछ ऊर्जा खर्चा होगी तो खर्चा ऊर्जा इसकी क्या कहलाएगी ऊर्जा कहलाता है प्यारे बच्चों उसी प्रकार में वहां पर बता रहा हूं कि यारो किसी चालक में एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कराने में व्यय ऊर्जा खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है उम्मीद है कि आपको विद्युत ऊर्जा समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों अब वही सारी चीजें हम यहाँ लिख लेते हैं तो प्यारे बच्चों जो चीजें हमने समझा था वो चीजें लिख दिया कि किसी भी चालक में एकांक को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो क्या कहलाती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है प्यारे बच्चों अगर हम क्या माने कि यदि किसी चालक का जो चालक था चालक क्या होता है प्यारे बच्चों जैसे तार हो गया जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है ना यदि किसी चालक का जो विभव है विभवांतर यदि किसी चालक का विभवांतर v हो विभवांतर क्या हो v हो विभवांतर क्या हो v हो तो तब क्यों आवेश प्रवाहित करने में हो तो उस चालक में उस चालक में क्यों आवेश प्रवाहित करने में क्यों आवेश प्रवाहित करने में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों जो आप कार्य करोगे वही ऊर्जा के बराबर होगा तो प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही किया गया कार्य ही किया गया कार्य ही आपकी क्या कहलाती है विद्युत ऊर्जा तो किया गया कार्य हम W से व्यक्त कर रहे हैं विभवांतर कितना है प्यारे बच्चों V है और अब किसको प्रभावित कर रहे हैं क्यू को तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया वी इंटू क्यू यही विद्युत ऊर्जा का क्या होता है व्यंजक होता है प्यारे बच्चों यही क्या है विद्युत ऊर्जा का व्यंजक है जहां हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का क्या हो जो मात्रक होता है हो, वो क्या होता है जूल होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों जूल होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है

यदि यदि V बराबर क्या हो एक बोल्ट हो यदि V बराबर एक बोल्ट हो तथा Q इक्वल टू कितना हो एक कुलाम हो एक कुलाम हो तब जो W होता है वो एक जूल के क्या होता है बराबर होता है ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया चीज मैं बताने जा रहा हूं यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एक बोल्ट हो यदि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो एक बोल्ट हो तो चालक में एक कुलाम आवेश प्रवाहित करने में तो चालक के अंदर एक कुलाम आवेश को प्रवाहित करने में एक जूल ऊर्जा होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी चालक के बीच का विभवांतर एक बोल्ट हो यदि किसी चालक के बीच का विभवांतर एक बोल्ट हो तो उस चालक में एक कुलाम आवेश को प्रवाहित करने में उस चालक में एक गुलाम आवेश प्रवाहित करने में एक जूल ऊर्जा व्यय होती है क्या आप इतनी बात समझे यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एक बोल्ट होगा तो उस चालक में हम एक गुलाम आवेश को प्रवाहित करने में एक जूल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है यही है प्यारे बच्चों एक जूल की परिभाषा तो चाहो तो आप इसे परिभाषित कर सकते हैं प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे किसके पदों में जो विद्युत ऊर्जा होता है जो विद्युत ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों अब हम उसका फार्मूला धारा और किसके पदों में निकालेंगे प्यारे बच्चों धारा और विभव के पदों में V और I के पदों में अब हम निकालेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यंजक यहां से स्पेशल केस में देखिएगा प्यारे बच्चों अब हम में निकालेंगे विद्युत ऊर्जा विद्युत विद्युत धारा विभव के पदों में किसके पदों में प्यारे बच्चों विभव के पदों में तो ध्यान से देखिएगा अब इसके पदों में क्या होगा यदि यदि हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि आई यदि टी सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित हो यदि चालक में यदि प्यारे बच्चों चालक में यदि चालक में ती सेकंड में ती सेकेंड में क्यू आवेश क्या हो प्रवाहित हो क्यू आवेश प्रवाहित हो क्यू आवेश प्रवाहित हो तो उत्पन्न क्यू आवेश क्या हो प्रवाहित हो तो 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 उत्पन्न आवेश उत्पन्न आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित तो हो यहां लिख लीजिए यदि किसी चालक के में T सेकंड में यदि किसी चालक में T सेकंड में I धारा प्रवाहित तो हो तो उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या होता है इंटू टी तो समीकरण एक में अगर हम Q के स्थान पे क्या रख दें आई टी तो क्या मिल जाएगा प्यार बच्चों समीकरण एक से समीकरण एक क्या कहता है कि W बराबर क्या हो जाएगा V और Q के स्थान पे I इंटू क्या हो जाएगा T तो एक फार्मूला और आ गया देखिए ये किसके पदों में आ गया आ गया प्यार बच्चों जो विद्युत ऊर्जा थी वो विभव यानी विभवांतर और धारा के पदों में आ गया अब ये हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं दो देते हैं अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों अब हम अगला किसके पदों में निकालेंगे जानते हैं अब हम अगला पद निकालेंगे प्रतिरोध और धारा के पदों में तो ध्यान से देखिएगा अगर हम अगले कंडीशन में मान दे कि यदि यदि जो चालक है यदि चालक का प्रतिरोध आर हो चालक का प्रतिरोध कितना हो आर हो यदि चालक का प्रतिरोध आर हो तब तब जो विभव होगा तब विभवांतर तब जो विभवांतर होगा प्यारे बच्चों वो V बराबर ओम के नियम से I इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा V बराबर I इंटू क्या हो जाएगा R ये भी आप जानते हैं तो समीकरण दो से अगर जहां दो है समीकरण दो में ये जो V आया है यहां पर अगर हम I इंटू आर रख दें तो प्यारे बच्चों क्या होगा तो ध्यान से देखिए समीकरण दो से क्या होगा समीकरण दो, दो से क्या हो जाएगा जहां ये V है वहीं पर हम I इंटू आर रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर हम रखेंगे I इंटू आर और ये क्या है I इंटू टी आई आई का गुना कर देंगे तो I स्क्वायर R इंटू कितना हो जाएगा T तो ये जो ऊर्जा आ जाएगी वो किसके पदों में आ जाएगी धारा और प्रतिरोध के पदों में धारा और प्रतिरोध के पदों में ये हम समीकरण नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों टी ये समीकरण नंबर क्या दे देते हैं क्या आपकी इतनी बात क्लियर हो गई यानी ये भी ऊर्जा का व्यंजक है, है ये भी ऊर्जा का व्यंजक है ये विभव और आवेश के पदों में था ये विभव और धारा के पदों में है ये धारा और प्रतिरोध के पदों में है अब हम एक प्यारे बच्चों और जानते हैं अब हम क्या जानते हैं कि जो यदि यदि हम क्या जानते हैं जो ये आई है ये आई आई इक्वल टू हम जानते हैं हम जानते हैं प्यारे बच्चों क्या जानते हैं i इक्वल टू होता है v बटे r i इक्वल टू क्या होता है v बटे r तो समीकरण तीन से क्या हो जाएगा समीकरण तीन से आपको क्या मिल जाएगा ध्यान से देखिएगा समीकरण तीन क्या है i i के स्थान पे क्या रखेंगे बताओ i के स्थान पे ये रखेंगे तो v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर i के स्थान पे रखेंगे तो v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर r into कितना हटती एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा

ध्यान से देखिए अब समीकरण एक दो तीन और चार देखिए तो एक पक्ष बराबर है सब W के बराबर है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में समीकरण एक दो तीन व चार से क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों चार से क्या लिख देंगे W बराबर V इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा V इंटू आई इंटू टी बराबर क्या होगा आई स्क्र आर टी बराबर क्या होगा वी बटे आर इंटू क्या हो जाएगा टी यानी ये सब डब्ल्यू के क्या है इक्वल है ठीक तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी ये जो टॉपिक थी विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बनने वाले थे सारी चीजों की हम लोगों ने अध्ययन कर लिया पहले बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट से आप क्या समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट से आप क्या समझते हैं तो थोड़ा सा हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी कुछ देर के लिए समझ लेते हैं अब हमारी हेडिंग है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट कौन सी हेडिंग एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट ध्यान से देखिएगा अब एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है ध्यान से समझना प्यार बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि किसी चालक में या हम कहें किसी भी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है पैर बच्चों जितनी ऊर्जा व्यय होगी वो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट के क्या होती है बराबर होती है एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पैर बच्चों यदि मैंने क्या कहा कि ये कोई क्या है चालक है और इस चालक में इस एक इलेक्ट्रॉन को इस एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होगी वो किसके बराबर होगी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगी बराबर होगी क्या इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो एक बोल्ट हो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर एक बोल्ट हो यहां से लेके यहां तक का विभवांतर एक बोल्ट है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट के क्या होती है बराबर होती है प्यारे बच्चों और एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है एक दशमलव छह गुड़ित दस घाते माइनस उन्नीस जूल होता है तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो विद्युत ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से क्या होता है समाप्त होता है आप चाहो तो इसका एक स्क्रीन ले सकते हैं फिर हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आप इसका एक स्क्रीन ले लीजिए तो गाइस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव प्यारे बच्चों एकदम मक्खन वाली भाषा में हम बताने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ध्यान से देखिएगा हमने क्या कहा कि ये कोई चालक ले लेते हैं ध्यान से समझिएगा ये क्या कर लिए कोई चालक ले लिए अच्छे से समझ लीजिएगा फिर हम लोग परिभाषा लिखेंगे ये कोई चालक हो गया क्या हो गया प्यारे बच्चों ये चालक है अब चालक में कुछ ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो पहले से ही उपस्थित होते हैं चालक में जो परमाण होते हैं ये पहले से ही क्या होते हैं उपस्थित होते हैं ठीक ये चालक के परमाणु होते हैं ध्यान से समझना ये भैया चालक के क्या कण है या परमाणु मान लेते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए अब क्या होता है अच्छे तरीके से समझना कि चालक का जो तापी प्रभाव होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों अब जैसे ही इस चालक में हम किसी वायर के द्वारा किसी वायर के द्वारा करंट प्रवाहित करेंगे जब किसी भी चालक में आवेश, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक का जो ताप होता है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ताप क्या हो जाता है बढ़ जाता है इसी घटना को हम क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है यानी जब किसी चालक में जब किसी चालक में हम करंट को फ्लो कराएंगे प्यारे बच्चों जैसे ही किसी भी चालक को करंट से जोड़ दिया जाता है या विद्युत मेंस से जोड़ दिया जाता है तो जो चालक का ताप होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है इसी फिनामिनान को इसी घटना को हम क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव आइए अब हम इसके अंदर समझते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर कैसे ताप बढ़ता होगा ताप कैसे बढ़ता है ध्यान से समझिएगा जब हमने क्या कहा कि किसी चालक में या किसी चालक में आई करंट प्रभावित होती है तो भाई आई करंट प्रवाहित होगा किसके कारण इस चालक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा समझिए इस चालक जिस जिस तार से धारा प्रवाहित हो रहा है तो तार से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब यह इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होगा यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा गतिशील होगा यह इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा और जब यह गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित परमाणुओं से क्या होते हैं टकराते हैं चालक में उपस्थित जब परमाणुओं से, से क्या होंगे ये टकराएंगे यानी ये इलेक्ट्रॉन बाबू जब चालक में उपस्थित परमाणु से क्या होंगे टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी गति ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन अपनी गति ऊर्जा का कुछ भाग इस परमाणु को क्या करता है दे देता है इस परमाणु को क्या करता है दे देता है जिसके कारण परमाणु की जो गति ऊर्जा धीरे 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 होती रहती है वो परमाणु की गति ऊर्जा बढ़ जाती है क्या होती है बढ़ जाती है जिसके कारण परमाणुओं का क्या हो जाता है ताप भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है बच्चों एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं ध्यान से देखना मैंने क्या कहा कि जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं जैसे ही किसी भी चालक में हम करंट को फ्लो कराते हैं प्यारे बच्चों तो चालक द... चालक में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है धारा प्रवाहित करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है चालक से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चालक में उपस्थित परमाणुओं से टकराता है चालक में उपस्थित परमाणुओं से टकराएगा और प्यारे बच्चों वो अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग परमाणुओं को दे देता है जिसके कारण परमाणुओं की जो होती है पहले की तुलना में बढ़ जाती है उसी कारण तो आइए हम विद्युत धारा तापी तो के तापीय प्रभाव को लिख लेते हैं ध्यान से देखिएगा हमने जो चीजें समझा है वही चीज यहां पर लिखी गई है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक का ताप बढ़ जाना ही विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहलाता है प्यारे बच्चों अभी हमने इसको समझाया था वो चीज आपको यहां पर लिखा है अब हम क्या अगली हेडिंग है कि जो चालक है प्यारे बच्चों चालक में जो उष्मा उत्पन्न होती है चालक में जो हीट उत्पन्न होती है उसकी माप हम कैसे करेंगे कि किसी चालक में कितना उषमा उत्पन्न हो रही है उसको ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि भैया जो चालक है जो चालक आपने लिया है उसका प्रतिरोध अगर आ रहा है और जो विभवांतर है वो कितना है प्यारे बच्चों V है और अगर हम I एम्पियर की धारा उसमें T सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है जो कार्य करना पड़ेगा या जो ऊर्जा व्यय होगी जो ऊर्जा खर्चा होगा वो ऊर्जा ही किसके बराबर होती है उषमा के क्या होती है बराबर होती है तो प्यारे बच्चों जो कार्य होता है अभी हमने इससे पहले वाले हेडिंग में पढ़ा था W बराबर होता है वी आई इंटू टी जब हम I और धारा और विभव के पदों में कार्य निकाले थे अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना यही जो W होगा यही किसके पदों में बढ़ जाएगा यही W ही क्या कहलाता है वहां पर हीट हीट कहलाता है है प्यारे बच्चों यही ही W आपकी क्या कहलाएगी कहलाती ध्यान से समझ अब हम जानते हैं जो उष्मा होता है वो किस में मापा जाता है कैलोरी में ये तो किस में है प्यारे बच्चों जूल में है ना कैलोरी में मापा जाता है ध्यान से देखिएगा अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों की जो एक कैलोरी होता है एक कैलोरी एक कैलोरी जो होता है वो चार दशमलव दो जूल के क्या होता है इक्वल होता है अब हमको एक जूल का मान चाहिए प्यारे बच्चों, तो इनको हम क्या कर देंगे? इधर कर देंगे तो इनको इधर करेंगे तो एक बटे चार दशमलव दो एक बटे चार दशमलव दो कैलोरी क्या हो जाएगा बराबर एक जूल यानी कहने का मतलब है कि एक जूल बराबर होता है एक कैलोरी एक बटे चार दशमलव दो कैलोरी एक बार फिर से ये चार दशमलव दो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बच्चों ऐसे आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा तो ये सौ इधर आ जाएगा तो एक बटे सौ ये आ जाएगा मीटर बराबर एक सेंटीमीटर तो यही सेम प्रोसेस हमने यहां अपनाया है ठीक चलिए

अब हम यहां पर समीकरण जो एक है अब यही से सभी लोगों को क्या कर देंगे बदल देंगे यानी जो हमारा ये जूल है प्यारे बच्चों ये इस जूल को हम एक बटे चार दशमलव दो कर सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा अब चालक में उत्पन्न उष्मा एच बराबर होता है डब्लू बटे चार दशमलव दो ठीक अब ये आपका एक हो गया अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो W होता है वो वी आई टी के क्या होता है बराबर होता है तो H बराबर हो जाएगा वी आई टी बटे चार दशमलव दो चूल ठीक ये आपका एक फार्मूला आ गया दूसरा क्या आ जाएगा अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों के वहां जो V होता है वो आई आर के क्या होता है बराबर होता है ये जो V है वो I इंटू क्या होगा R के बराबर होगा तब क्या आ जाएगा तब H बराबर आ जाएगा यहाँ V के स्थान पे I R रखेंगे तो I I का गुणा हो जाएगा तो आई बटे चार दशमलव दो जूल तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा एक चीज हम और जानते प्यार चूंकि जो आई होता है वो वी बटे आर के इक्वल होता I आई जो होता है वो वी बटे आर के इक्वल होता तो यहां पर रखेंगे क्या मिल जाएगा ध्यान से देखिए तो एच इक्वल टू मिलेगा आई के स्थान पे v R square, यहां क्या है आर इंटू कितना है टी बटे चार दशमलव दो एक आर एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या व्यंजक मिल जाएगा एच इक्वल टू वी स्क्टू कितना है टी बटे चार दशमलव दो जो तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों ये व्यंजक तो समीकरण नंबर अगर हम एक नाम दे ये दो नाम दे और ये तीन नाम दे तो तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण एक दो व तीन से ध्यान से देखना तीनों एच के ही बराबर है तो तीनों से हम ऐसे डायरेक्टली लिख दें टू क्या हो जाएगा देखिए एक बटे चार दशमलव दो सब में कॉमन है तो हम एक बटे चार दशमलव दो कॉमन लेके क्या लिख देते हैं वी आई टी प्लस क्या हो जाएगा वी आई टी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों अगला क्या होगा आई आर टी और बराबर अगला क्या हो जाएगा वी t अपन r तो ये सब क्या होंगे H के ही बराबर होंगे इस प्रकार प्यारे बच्चों हम किसी भी चालक में उत्पन्न की माप ज्ञात कर सकते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों और सभी फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी फार्मूले पर आधारित आपके न्यूमेरिकल जरूर बताऊंगा प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों हमारी नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति अब विद्युत शक्ति क्या होता है प्यारे बच्चों कि किसी भी परिपथ में किसी भी परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा होता है वो कितने समय में हो रहा मतलब विद्युत ऊर्जा के व्यय होने को अगर हम समय से क्या कर देते डिवाइड कर देते हैं कि यार कितने घंटे में कितने जल्दी से विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को ही तो विद्युत शक्ति कहते हैं विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर को खपत मतलब खत्म होने की दर को ही क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं तो यह परिभाषा क्या हो जाएगा प्यार बच्चों विद्युत ऊर्जा के व्यय व्यय मतलब प्यार बच्चों खर्च ठीक व्यय होने की दर होने की दर को क्या कहते हैं होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक विद्युत तो शक्ति कहते हैं, ठीक विद्युत शक्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों पी से क्या होता है विद्युत शक्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं पी से ध्यान दीजिएगा तो विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत शक्ति बराबर कार्य कार्य ही तो विद्युत ऊर्जा होगा कार्य बटे क्या कार्य बटे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों समय ठीक विद्युत शक्ति को हमने किससे व्यक्त किया पी से कार्य को किससे व्यक्त करते हैं है? टी से तो इक्वल टू क्या हो गया यानी जो ऊर्जा होती बच्चों कार्य करने की समय दर ही कार्य करने की समय दर ही क्या कहलाती विद्युत शक्ति कहलाती है ठीक अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इतनी बात समझे अगर हम यहीं पर बात कर लें पी के मात्रक का पी का मात्रक यानी विद्युत शक्ति का मात्रक तो डब्ल्यू का मात्रक डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है जूल टी का मात्रक होता है सेकेंड तो जूल प्रति क्या हो गया सेकंड इसे ही क्या कहते हैं वाट कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों वाट ठीक तो इसे ही वाट कहा जाता है यानी शक्ति का मात्रक वाट भी होता है जूल प्रति सेकेंड भी होता है अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिएगा अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था चूंकि हम जानते हैं W बराबर क्या, क्या होता है क्या होता है W बराबर चीज अभी हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था क्या यहां पर रख सकते हैं तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा W स्थान वी आई टी बटेटी हो जाएगा T से T क्या हो जाएगा कैंसिल तो P इक्वल टू आ जाएगा V इन टू आई तो ये जो शक्ति का फॉर्मूला आता है ये विभव और धारा के पदों में आता है यहां से हम परिभाषा देना चाहें तो विभवांतर और धाराओं धारा का गुणनफल विभव और धारा का गुणनफल फल ही शक्ति के कह शक्ति कहलाती है किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभव और बहने वाली धारा का गुणनफल फल ही विद्युत शक्ति कहलाती है क्या आप समझे प्यारे बच्चों अब अगर हम आगे और जानते हैं कुछ फार्मूले जैसे क्या होता है प्यारे बच्चों की जो वी होता है V जो होता है वो I इंटू आर के क्या होता है बराबर होता है क्योंकि जो V है वो किसके बराबर है I इंटू आर के तो यहां अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा P बराबर

क्या आपने समझा आप यहां से भी यहां से भी यहां से यहां से तीनों चारों फार्मूले क्या है पावर का ही है ठीक? इस इसको भी। तो प्यारे बच्चों जो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है व्यवहारिक का मतलब होता है कि हम लोग अपने लाइफ में अपने जीवन में किस प्रकार विद्युत ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और प्यारे बच्चों इस इस टॉपिक से सात सभी बताऊंगा में परंतु पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं किया तो लाइक कीजिए दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए अब हम जानते हैं जो विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है सबसे छोटा जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो जूल होता है सबसे छोटा मात्रक क्या होता है जूल होता है अब जैसे बड़े बड़े कारखानों बड़े बड़े व्यापारों बड़े बड़े कारखानों मिलों में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा खपत होती है तो उसको हम छोटे मात्रक में कैसे मापेंगे प्यार बच्चों जैसे मैंने कहा कि यहां से मुंबई की दूरी यहां से गुजरात की दूरी आप जो है सेंटीमीटर में नाप के बताओ तो प्यार बच्चों सेंटीमीटर नापने में काफी टाइम लग जाएगा ना तो उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा काफी मात्रा में व्यय होती थी इसलिए विद्युत ऊर्जा को हम लोग जूल में नहीं मापते क्योंकि जूल बहुत छोटे बच्चों विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं या बी टीय का उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते है? प्यारे बच्चों बी टी यू दो ही अपनाते हैं बी टीयू का मतलब होता है क्या होता है प्यारे बच्चों ट्रेड यूनिट ध्यान से देखिए या तो हम इसको अपनाते हैं या या हम किसको अपनाते हैं किलो वाट घंटा को अपनाते क्या अपनाते हैं किलो वाट घंटा जिसे हम कहते हैं यूनिट क्या कहते हैं प्यारे बच्चों यूनिट कहते हैं यानी कहने का मतलब है कि हम व्यवहारिक जीवन में या तो बीटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का उपयोग करते हैं या किलो वाट घंटा उसका उपयोग करते हैं आइए हम देख निकाल लेते हैं कि एक यूनिट बराबर कितना होता है तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें कि एक यूनिट किसे कहते हैं तो यदि कोई मशीन एक किलो वाट ए, यदि कोई मशीन जिसकी शक्ति एक किलो वाट हो बच्चों एक किलो वाट वाले से घंटे में जितनी ऊर्जा होती है वो एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि एक यूनिट किसे कहते हैं एक किलो वाट जैसे कोई पंखा चल रहा है अगर उसकी शक्ति एक किलो वाट है अगर वो एक घंटा चल जाए तो वो एक यूनिट ऊर्जा खत्म कर देगी तो एक किलो वाट घंटे मशीन द्वारा एक किलो वाट मशीन द्वारा एक घंटा में बे ऊर्जा ही एक यूनिट कहलाता है प्यार से बच्चों एक बार फिर से समझ लो एक किलो वाट मशीन द्वारा एक घंटे में बे ऊर्जा ही एक यूनिट के बराबर होती है तो एक यूनिट का फार्मूला क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा एक यूनिट बराबर होगा वाट गुड़े घंटे यानी उसका वाट कितना है और कितना घंटा चल रहा है बटे क्या हो जाता है एक हजार ये यूनिट की संख्या का फार्मूला निकालने के लिए होता है प्यारे बच्चों कभी कभी वाट ना देकर अगर हमको दूसरे पदों में निकालना हो तो ये भी फॉर्मूला हम जानते रहेंगे क्योंकि सभी वाट बराबर हो जाएगा बोल्ट क्या हो जाएगा बोल्ट इंटू एम्पियर बोल्ट इंटू एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा घंटे बटे क्या हो जाएगा एक हजार तो प्यारे बच्चों वाट को ही बोल्ट और एम्पियर लिखते हैं ना देखिए यहां से बोल्ट एम्पियर ठीक ये आ गए कभी कभी दिन में दे देता किस में दे देता प्यार बच्चों दिन में कई दिनों तक चल रहे हैं तो अगर प्यार बच्चों कभी कभी दिन के लिए दे दिया जाए यदि विद्युत ऊर्जा कई दिनों तक कई दिनों तक बह हो तब तब क्या होता है तब एक यूनिट बराबर होता है वाट गुड़े घंटे कितने घंटे चल रहे हैं पूरे दिन में इंटू दिन पटे क्या होता है एक हजार तो इस प्रकार भी हम यूनिट निकाल सकते हैं एक चीज आओ प्यार बच्चों एक यूनिट बराबर होता है तीन दशमलव गुड़े दस घाते जूल एक यूनिट बराबर होता है तीन दशमलव छुड़े दस घाते इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों याद करिएगा क्योंकि आपको इसी फार्मूलो पे अधिकतर सात नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है I hope कि आज की सभी क्लासेस आज की सभी टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ तब तक के लिए आप लोग सभी प्रकार का जो प्यार है प्यारे बच्चों वीडियो पे बनाए रखिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डे स्टूडेंट